नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन 08, ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। देखते रहिए यूवीएन 08, ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। ये समाचार बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले डोंडी लोहारा ब्लॉक के देवरी बस स्टैंड में भाजपा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन है, जिस पर कन्हैया लाल का हत्या आतंकवादियों द्वारा किया गया, इसके पक्ष में बजरंग दल, हिंदू परिषद, भाजपा मंडल, ये सभी लोग हत्यारे को सजा हो, जिसमें मुख्य रूप से अपनी सहभागिता निभा रहे हैं पूर्व विधायक बालमुकुंद देवांगन, बलराम गुप्ता, धर्मगुरु ओम प्रकाश साहू, टूमन साहू, हेमलाल साहू, हरीश कटझरे, सभी कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। साथ ही पुलिस विभाग की भी उपस्थिति रही। सर, अपने पक्ष देते हुए आज ये देवगन जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में जानकारी दो। मैं डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन, पूर्व विधायक खिरथा। अभी जो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ कांग्रेस की शासन है, जिस तरह से सांप्रदायिक सद्भावना को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, अभी अभी ताज़ा घटना उदयपुर की घटना है, जिसमें कन्हैया टेलर का निर्मम हत्या जिहादियों के द्वारा की गई है। निश्चित तौर से बहुत शर्मनाक घटना हिंदुस्तान के लिए, और जो जिहादी लोग हैं वो ऐसे संस्था से विनाश करते हैं जिसको छत्तीसगढ़ के शासन के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने उसी संस्था को यहाँ पर जमीन रायपुर में 10 हेक्टेयर और अभी इश्तिहार भी निकला हुआ है राजनांदगांव में 10 हेक्टेयर जमीन देने की। सर, आज देवगढ़ में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी। अभी हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में जो हमारे हिंदू धर्म के कन्हैया लाल जी की जो इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों ने जिस प्रकार से नृशंस हत्या की है, उसके विरोध में पूरा देश इस मामले को लेकर आंदोलित है, और इसी विषय में छत्तीसगढ़ विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय आह्वान पर आज 2 जुलाई को पूरा छत्तीसगढ़ बंद किया हुआ है, और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत समस्त हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी राजनीतिक संगठनों का सहयोग, सभी व्यापारियों का सहयोग, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सहयोग, आम जनता का भावना आज इसके विरोध में लगा हुआ है। आज बालोद जिला देवरी पसौत के साथ साथ दल्ली राजरा बालोद शहर गुंडरदही अरगुंडा पूर्णतः बंद है, और सभी लोग की एक ही मांग है कि ऐसे हत्यारे, ऐसे इस्लामिक जिहादी हत्यारों को, आतंकवादियों को तत्काल जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए।